करौली में जल प्रहार। आपको बता दें कि कई इलाकों में जो है बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और सैलाब में कार सहित दो लोग जो है बहे हैं। एसडीआरएफ ने दोनों लोगों को फिलहाल बचा लिया है। नाम उन दोनों शख्स का सुरजीत और जितेंद्र है, जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। होली खिड़कियां मार्ग पर ये हालत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं, तो बारिश ने किस तरह कहर बरपाया है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। करौली में जल प्रहार देखने को मिला एक बार बारिश के बाद से। करौली में किस तरह से कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं और सैलाब में कार सहित दो लोग बह गए। रात में ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई और उसके बाद से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। से आए थे इधर होके जा रहे थे होली खिड़किया होके। हाँ, और यहाँ का पता नहीं था पानी भरा है। यहाँ पे नॉर्मली हम निकल रहे थे ऐसे गाड़ी ठीक से है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी था, गाड़ी निकल जाएगी ऐसे सोच के ठीक है निकाल दी गाड़ी। हाँ। और अचानक से ऐसे गाड़ी इधर इधर ऐसे जाने लगी एक साइड में, और वो थोड़ा सा दूर चली गई गाड़ी। और ऐसे ऐसे लगा जैसे पता नहीं कहाँ जा रही है, और ये भी नहीं पता लगा 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर कितना दूर गई है। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी देखिए, बताना चाहूंगा क्षेत्र में देर शाम बारिश का दौर शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा। इस दौरान ही लगभग 12 बजे के करीब राधेश्याम फार्म हाउस खुली खिड़कियां बाहर ये दो लोग थे जो कार से उस रास्ते पर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही इस रास्ते में आगे बढ़े तो एकदम से पानी बढ़ गया, और पानी बढ़ते ही कार सहित ये दो लोग बहने लगे। हालांकि यहाँ गनीमत ये रही कि ये कार आगे जाकर एक दीवार से अटक गई, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये दोनों जगदीश और सुरजीत बताए जा रहे हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। यहाँ इस क्षेत्र में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। साथ ही जो करौली का बजीतपुर दरवाजा क्षेत्र है, इसके बाहर रामद्वारा रोड पर भी लगभग इतना ही पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही साईनाथ खिड़किया क्षेत्र में एक परकोटा है शहर का, उसकी दीवार गिरी है जो एक पाटरपोश घर पर गिरी थी। हालांकि गनीमत रही कि उस भाग में कोई नहीं था, जिसके चलते बड़ा हादसा टला है। इसके साथ ही रियासतकालीन एक जो तालाब है रंगमा तालाब, उसकी पाल का एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो यहाँ लगभग बारिश के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं, और पुलिस प्रशासन ने भी इसको लेकर लगातार लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 23 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश का दौर जो है देखने को मिल रहा है और मॉनसून प्रदेश में सक्रिय है। जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, जलभराव की स्थिति है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उसी को देखते हुए जो है कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो जिले में 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट है, और इसके अलावा 23 जिलों की अगर बात करें तो वहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। राजसमंद जिले में निरंतर बारिश से सभी जलाशयों में जो है पानी की भरपूर आवक हुई है, और इधर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जनजीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम भी जो है कर दिए गए हैं, और राजसमंद जिले में निरंतर बारिश से सभी जलाशयों में पानी की भरपूर आवक हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है, और साथ ही साथ जो है जो कड़े इंतजाम है वो भी अधिकारी की तरफ से किए जा रहे हैं, अधिकारी भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और इधर प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और इसी कड़ी में अजमेर में भी बारिश से हाल बेहाल है। शहर के कई इलाकों में जल भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। देखिए रिपोर्ट।
अजमेर में भारी बारिश के बाद शहर का कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। जल भराव की ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं। सिर्फ दो घंटे की लगातार बारिश से शहर पानी पानी हो गया, सड़कें दरिया बन गई। अजमेर की लोहागल क्षेत्र के जनाना रोड पर पानी के तेज बहाव में एक मोटरसाइकिल सवार बहने लगा, जिसे स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है, जिसके चलते सड़कों पर भारी जाम लग गया। स्कूलों में भी पानी भर गया, जिसके चलते छात्रों को भारी परेशानी हुई। आनासागर झील भी एक बार फिर ओवरफ्लो हो गई। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां इस बारिश के कारण एक बार फिर जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में लोग प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं, जिससे कि इस बारिश के पानी से निजात मिल सके। अजमेर में दो घंटे हुई बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। इस वक्त हम पुलिस लाइन क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर पुलिस लाइन स्कूल के साथ ही यहां पर हॉस्पिटल भी है, और ये जो पूरी रोड है वो पूरी तरह से जाम यहां पर पड़ी है। देखेंगे किस तरह का ये नज़ारा है, जहां पर 2 से 3 फीट का पानी जो है अलग अलग स्थानों पर भरा हुआ है, और इसके कारण जो है स्थिति खराब है। स्कूल में हालांकि लोग जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि छुट्टी हो तो घर जाएं, और ऐसे ही नज़ारे जो हैं आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे किस तरह से घर के अंदर जो है लोग कैद हुए बैठे हैं, और यही मांग जो है लोगों से की जा रही है कि जो पानी है वो यहाँ पर लंबे समय बाद आया, लेकिन बारिश जो है लगातार लोगों को परेशान कर रही है। पांव टूटा हुआ है, किस तरह से बाहर जाएंगे, स्थिति क्या रही है, पहले कब देखा था आपने इस तरह की स्थिति, और ये कैसे बनी है स्थिति? ये इस सीजन का दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जो आज पानी इतने लेवल पर आया है कि आसपास में रहने वाले सभी को तकलीफ हो रही है। जब यहाँ से गाड़ियाँ सड़क पर से गुजरती है तो वो पानी छलक करके मकान के अंदर तक आने की संभावना बनी रहती है, और आया है पानी। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जो ये अपना गवर्नमेंट महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के पुलिया तक का जो लेवल कम है, यहाँ पानी का भराव ज़्यादा है, उस भराव को सड़क को और इसको थोड़ा सा सही करने की कृपा करें, ताकि आमजन इससे परेशान ना हो। भारी बारिश ने अजमेर के सबसे बड़े JLN अस्पताल में भी मरीजों की परेशानी बढ़ा दी। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के साथ ही ART सेंटर और लैब में पानी भर गया, जिसके चलते आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी पूरी गैलरी में भरा है, जिसके चलते लोगों का यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। अस्पताल में भरे पानी के बीच ही डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आए। मरीजों की माने तो अचानक तेज बारिश के बाद अस्पताल में पानी भर गया। क्या भैया, किस तरह की स्थिति है, पानी की जो व्यवस्था है वो कैसे बनी हुई? पानी तो आगे पानी के जाल लगा रखे नालों में, उनसे कचरे जो रुक रहा है उससे पानी का भराव हो रहा है। पीछे हमारे घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और पूरी गली मतलब पूरी लेव घरों के अंदर तक घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सब अपने सामान को उठा उठा के पहली मंजिल पे ले जा रहे हैं, और ये सारा भराव इसी कारण हो रहा है कि नगर निगम द्वारा इसको कचरों को नहीं उठाया गया, इस वजह से, और आगे जाल लगा दिया जिससे पानी रुक रहा है। अगर नाला बनाया उसने हमारे से प्रॉब्लम ही हो गई ना, इतना बड़ा नाला था उसको बिल्कुल नाली बना दिया, तो सबके प्रॉब्लम हो रही, घरों में पानी आ रहा है, और सारी मेरी गाड़ी अलग चली गई उधर। शहर में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। फाय सागर से आ रही बाड़ी नदी भी ओवरफ्लो हो गई है, जिसके चलते आसपास की कॉलोनियों में पानी भर रहा है। ऐसे में लोग प्रशासन से जल्द मदद की उम्मीद कर रहे हैं। इसी तरह के हालात अजमेर के अलग अलग इलाकों के हैं। ये जो है पानी पुलिस लाइन में भरा हुआ है, इसी तरीके से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हो या उत्तर विधानसभा क्षेत्र हो, सभी स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, और इसी प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां की हम खबर आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन कोशिश सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, केसरी सिंहपुर में दो पक्षों में लाठी भाटा जंग देखने को मिली है। नशा तस्करों और नशा मुक्ति संघर्ष समिति के बीच ये झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में दोनों ही पक्षों के करीब 12 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर केसरी सिंह पुलिस पहुंची है और जांच शुरू कर दी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हुआ है, और इस झगड़े में दोनों ही पक्षों के करीब 12 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। नशा तस्करों और नशा मुक्ति संघर्ष समिति के बीच ये झगड़ा हो गया, और जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देखिए लाठी भाटा जंग जो है देखने को मिला। एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, और जो लोग घायल उनको अस्पताल पहुंचाया गया।
तो दो पक्ष, एक तरफ नशा तस्करों की थी, दूसरी तरफ नशा मुक्ति की अगर हम बात करें वो समिति थी। उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद से लाठी डंडे चले दोनों में, वाद विवाद हुआ, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने का दौर जारी रहा, मामला शांत करवाया गया, जो लोग घायल हुए एम्बुलेंस की मदद से उनको अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में दे रहे हैं, जहां पर नशा तस्करों और नशा मुक्ति संघर्ष समिति के बीच में ये झगड़ा हुआ। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही ये विवाद बढ़ा तो आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद से जो घायल लोग उनको अस्पताल पहुंचाया गया। दो पक्षों में ये लाठी भाटा जंग जो है श्री गंगानगर के केशरी सिंहपुर में देखने को मिला है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और इधर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की अटकलों पर विराम लग चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के दिए बयान से ये साफ हो गया कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा और उसके बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रही छात्रों का विरोध बढ़ गया है। छात्र संघ चुनाव की अटकलों पर लगा विराम, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, सरकार के फैसले से छात्र नेता नाराज। अभी केवल शिक्षा का स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्टाफ की और व्यवस्था कर रहा हूँ, आगे सरकार चुनाव को लेकर क्या रहेगा सर? अभी सरकार उच्च शिक्षा मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम के इस बयान के साथ ही प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी खत्म हो गई है। बयान से साफ है कि ना इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे, ना ही उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस बाबत डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से सवाल किया तो उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता के सुधार की बात कही। सरकार के इस फैसले के बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव ना करवा के युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रहे हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप छात्र संघ चुनाव तो करवाइए। छात्रों के लिए हमने पहले भी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हमने बात रखी थी और मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाए और नए युवाओं को राजनीति में आने का एक मौका दिया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आखिरी फैसला सरकार करे। इधर उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव करवाने के मूड में सरकार नहीं है। ऐसे में सरकार चुनाव पर रोक को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करेगी, क्योंकि पुरानी सरकार छात्र संघ चुनाव को स्थगित करने का आदेश जारी कर चुकी थी। ऐसे में इस साल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी करने के बावजूद अब तक चुनाव को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, यह बीजेपी सरकार का छात्र विरोधी फैसला है। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। इसमें जो छात्र पढ़ने आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और यही नेता, छात्र नेता जो तानाशाही प्रशासन होता है कॉलेज और विश्वविद्यालय का, उनके खिलाफ मोर्चा खोलता है, उनकी नाक में नकेल डालने का काम करते हैं और यही छात्र नेता आगे चल के भविष्य की राजनीति का भी हिस्सा बनते हैं। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव न कराने का निर्णय लिया है जो कि निंदनीय है, जबकि समस्त छात्र संगठन, समस्त छात्र चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और उन्हें भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार जो कि जनता के द्वारा नकार दिए जाने से भयभीत है, आज छात्र संघ चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से ये छात्र हितों पर और छात्र राजनीति के माध्यम से जो प्रदेश के विकास के लिए मुख्य धारा की राजनीति में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं उनके हितों पर कुठाराघात है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर में जुलाई से 2 सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन के साथ ही
छात्र संघ पदाधिकारी के कार्यालय के उद्घाटन का वक्त भी दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जबकि चुनाव से 21 दिन पहले सरकार के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तय वक्त बीत चुका है और ऐसे में चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना ना के बराबर है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और गणेश चतुर्थी का महापर्व आज, आपको बता दें कि देश भर में गणेश जन्मोत्सव की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। गजानन को मोदकों का भोग लगाया जा रहा है। मोदी डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष आयोजन भी किए गए और जयपुर के सिद्धि विनायक मंदिर या फिर गढ़ गणेश में भक्त किस तरह से उमड़े हैं ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप किस मंदिर में हैं अभी और किस तरह से आज भक्तों के द्वारा गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है? देखिए, प्रथम पूजनीय भगवान गणपति को कहा जाता है। कोई भी शुभ काम की शुरुआत भगवान गणपति के साथ होती है, तो आज गणेश चतुर्थी का पर्व और ऐसे में सभी मंदिरों में भगवान गणपति की पूजा अर्चना भगवान के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और जिस मंदिर में फिलहाल हम पहुंचे हैं, न्यूज 18 के जरिए खास गणपति के दर्शन हम करवा रहे हैं। आप देखिए, ये कोटा के सर्किट हाउस गणेश मंदिर की तस्वीरें हैं और एक नाम और है इन गणपति का, इन्हें VIP गणपति कहा जाता है। VIP मंदिर इस गणपति को का जो नाम है वो अपने आप में बहुत खास है और खास यहाँ की मान्यता है। खास बात यह है कि आज 1621 किलो लड्डुओं का जो भोग है वो यहाँ पर लगने वाला है। 11 तरह के जो लड्डू हैं वो यहाँ पर होंगे। भगवान का स्वर्ण जो श्रृंगार है वो होगा और इसके साथ में अलग अलग तरह के रसायनों के साथ में भगवान का अभिषेक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस खास मान्यता यहाँ की इस मंदिर की और खास तौर पर फिलहाल देख सकते हैं भगवान गणपति के इस मंदिर को। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तैयारियां जोरों शोरों से